नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंटरपोल के बारे में। आप बात करने वाले हैं आज एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में, ठीक है? याद रखिए, आपकी जितनी भी संगठन खत्म होते जा रहे हैं वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी प्लेलिस्ट सूची महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से, ठीक है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। इसका मुख्यालय है कुआलाल लामपुर, मलेशिया में। 76 देशों से इसमें 272 सदस्य हैं। कितने देशों से? 76 देशों से 276 सदस्य हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है यह एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी और गैर राजनैतिक संगठन है। एबीयू एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में 17 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। दूरदर्शन में भारत भी शामिल है, ठीक है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के कार्यों की बात करें हम लोग, तो वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का सदस्य है। नेटवर्क के माध्यम से 3 मिलियन लोगों तक पहुंच इसकी है। दूसरे क्षेत्रीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के साथ मिलकर साझा मुद्दों पर कार्य करना, जैसे कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए फ्रिक्वेंसी आरक्षित करना, ब्रॉडकास्टिंग ट्रेटी को अंतिम रूप देना, इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं, ठीक है? कई तरह की सेवाओं का संचालन, जैसे डेली एशिया, विजन टीवी, न्यूज एक्सचेंज, विधायी और प्रबंधन से संबंधित सलाहकारी सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रिक्वेंसी की योजना और सामंजस्य बैठाना, इसका प्रमुख कार्यों में शामिल है, ठीक है? इसके अन्य तथ्यों की बात करें, इसके अन्य तथ्यों में शामिल है वार्षिक एबीयू पुरस्कार देता है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए, सबसे बेहतर रेडियो, टेलीविजन, नए मीडिया कंटेंट को सम्मानित किया जाता है, टीवी सॉन्ग और रेडियो सॉन्ग फेस्टिवल का आयोजन करता है। हाल ही में इसकी बैठक नेपाल के काठमांडू में हुई थी, ठीक है? ये था आपका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। किसके? नीति आयोग के बारे में। तो